जय भीम साथियों, मैं दीपशिखा इंद्रा, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज माया का 11वां भाग। आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लिए बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों पर। जैसा कि जग जाहिर है, बहन जी ने कभी भी धर्म जात की राजनीति ना करके वह हमेशा से धर्मनिरपेक्ष संविधान को आत्मसात करके सभी वर्गों के हितों के लिए काम किया। बीएसपी के शासनकाल में मायावती जी के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा बहन जी ने अभी 15 जनवरी को एक बार फिर से लोगों को बताया कि बीएसपी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो संविधान के मूल सिद्धांतों को आत्मसात करके काम करती है, जिसका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति। बहन जी ने अपने बीएसपी की 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम किया, खासकर दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत ही पीछे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बीएसपी के शासनकाल में बहन जी के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की। भारत में पहली बार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश में मायावती जी के द्वारा 1995 में लागू की गई थी, और फिर दूसरी बार सत्ता संभालने के तुरंत बाद मायावती जी ने छात्रवृत्ति की दर 2 गुनी कर दी। मायावती जी के शासनकाल में 88 विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया और अल्पसंख्यक विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने हेतु प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के लिए अलग अलग समितियां बनाई गईं और सिया तथा सुन्नी बैकअप बोर्ड का पंजीकरण मायावती जी के द्वारा नए अधिनियम के तहत किया गया और सिया और सुन्नी बैकअप बोर्ड के कर्मचारियों की 11 माह की रुकी तनख्वाह के लिए 35 लाख रुपए मंजूर किया गया। हज हाउस के निर्माण के लिए 4,67,00,000 रुपए मंजूर किया गया। हज के दौरान अग्निकांड में घायल हुए हाजियों के उपचार की दिल्ली और लखनऊ में विशेष व्यवस्था की गई। मायावती ने अपने शासनकाल में 50 मदरसों में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम चलाए, जिसके लिए 51,00,000 रुपए मंजूर किए गए। मायावती जी ने ग्रामीण क्षेत्र के मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु मिनी ITI खोलने का निर्णय लिया। पहले चरण में सभी जनपदों में एक मदरसे में मिनी ITI खोले गए और इतना ही नहीं बल्कि मायावती जी ने 8 जिलों में PMT, ITI और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर बनवाए। मायावती जी ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों के मान सम्मान और भागीदारी का बराबर ध्यान रखा, जिसके चलते उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के 3 मंत्री तथा 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी किया। मायावती जी ने अपने शासनकाल में 15 जून 1997 से लेकर एक अभियान चलाकर 10 वर्षों के बाद पहली बार 56,000 सुन्नी बैकअप बोर्ड की समितियों का पंजीकृत किया गया। उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश बैकअप विकास निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए राजा गजनफर अली को निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री अब्दुल मन्ना जी को नियुक्त किया और 1998 में हज यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और हज पे जाने वाले यात्रियों के आवासीय और अन्य इंतजामों के लिए 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब और इराक भी भेजा और उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य हज समितियों का पुनर्गठन भी किया। मायावती जी ने पिछले कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग प्रमाण पत्र जारी करा के आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया। उन्होंने फादर पीटर पैथम को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया। मायावती जी ने सामाजिक और सांप्रदायिक सहयोग के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कबीर सम्मान पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी दल दलित मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए तरह तरह के दिखावे कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जब इन दलों की सरकारें रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और अन्य दलों ने सिर्फ BJP का डर दिखाकर मुस्लिम समुदाय का वोट और मुस्लिम समाज को एक स्टेपनी की तरह यूज करके एक गाड़ी के कोने में फेंक दिया, लेकिन
उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 4 बार शासन किया और सभी वर्गों का मान सम्मान किया, बराबर की भागीदारी भी दिया, साथ ही उनके हितों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व अन्य योजनाएं चलाकर खासकर दलित, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया। अब यह बात मुस्लिम समाज के लोगों को समझने की जरूरत है कि उसका हित और उनके बच्चों का भविष्य किसमें है। जैसा सभी जानते हैं, बीएसपी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो संविधान के मूल सिद्धांतों पर काम करती है और सभी वर्गों का ख्याल रखती है। जय भीम, जय भारत।